बंगलौर, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, यह हजारों भारतीयों का सपनों का गंतव्य है। वर्तमान बेंगलो और इसके आधुनिक बुनियादी ढांचे को देखते हुए, यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह एक प्राचीन शहर है। बेंगलुरु सदियों से रहा है। Viewer, welcome to this channel once again. In this episode, we shall try to touch 8th century of Bangalore. कुछ समय के बाद छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक अधिक प्रमुख बंगलौर बनाया गया। बंगलौर के आसपास कई आकर्षक कहानियां हैं, लेकिन इसे तलाशने के लिए एक गहन अवलोकन की आवश्यकता है। प्रारंभिक बंगलौर बसने वालों की जीवन और जीवन शैली शसनिया पत्थर के शिलालेखों में संरक्षित है। आधुनिकीकरण के दौर में कई पाषाण अभिलेख या तो अज्ञानता या लापरवाही से नष्ट हो गए हैं। इस प्रक्रिया में शहर की विरासत और पारिस्थितिकी खो जाती है। बेंजामिन एल राइज द्वारा एपिग्राफिया कर्नाटका के अनुसार बेंगलो में एक बार 160 से अधिक शिलालेख पत्थरों का दस्तावेजीकरण किया गया था। वर्तमान में इनमें से केवल 50 शिलालेख पत्थर ही आसपास हैं। शिलालेख के पत्थर शहरीकरण के कारण खो गए हैं। ये पत्थर के शिलालेख कुछ निजी आवासों और निर्जन स्मारकों में हो सकते हैं। किसी स्थान, उसके इतिहास और उसके लोगों के बारे में जानकारी और विवरण आसनों में हैं। कर्नाटक अभिलेखों को मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। दाना शसन, प्रशस्ति, स्मारक और गोसा। पुनः प्रत्येक आसन के अंतर्गत अनेक उपविभाजन होते हैं। हेब्बल में पाया जाने वाला शसन है उरालिबु शसन। शहर की रक्षा में शहीद हुए व्यक्ति के सम्मान में उरालिबु शसन स्मारक पत्थर बनाए जाते थे। यह 750 ईस्वी का कन्नड़ शिलालेख है जिसे 1 मई 2018 को हेब्बल में खोजा गया था। हेब्बल में पाया जाने वाला शसन पेरबोलनाडु हेब्बल के मूल निवासी कितया के सम्मान में उरालिबु वीरगलु था। इस पत्थर के शिलालेख को कन्नड़ साहित्य परिषद में पुरालेख के प्रोफेसर पीवी कृष्णमूर्ति ने पढ़ा था। यह शिलालेख 8वीं शताब्दी में गंगा राजा श्री पुरुष के काल का है। यह पत्थर का शिलालेख हेब्बल गांव के गेट के पास सड़क किनारे खाई में था। मई 2018 में एक हेब्बल निवासी ने इसे देखा, नहीं तो यह किसी सड़क विकास परियोजना में खो जाता। उरालिबु वीरगलु शिलालेख अब हेब्बल पुस्तकालय से सटे एक भीड़ वित्त पोषित गंगा शैली के पत्थर के मंडप में स्थापित है। राष्ट्रकूटों के हमले से बचाव करते हुए पेरबोलनाडु के निवासी किट्टिया शहीद हो गए। हमले का इरादा पेरबोल शहर को तहस नहस करना था। पेलनागट्टारसा पेरबोलनाडु और श्रीपुरुष राजा के सरदार थे। श्रीपुरुष का राज्य आधुनिक काल के कोलार, बेंगलो, कृष्णागिरी, सेलम, इरोड, मांडिया, माइसोर, कूर्ग, चिकमगलोर, शिमोगा और तुमकुर जिलों तक फैला हुआ था। इन क्षेत्रों में इस अवधि से पाए गए कई वीरगलु इस अवधि के दौरान गंगा और राष्ट्रकूटों के बीच हुए भीषण युद्धों और झड़पों के प्रमाण हैं। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।